इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा अशरा नारे जहन्नुम से निजात का है। यूं तो इस महीने की हर रात ही बाबरकत है, लेकिन आखिरी अशरे की ताक रातें अहले ईमान के लिए इंतहाई ख़ास हैं। इन्हीं में से एक रात लैलतुल कद्र की है, वो रात जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ, वो रात जिसकी फजीलत हज़ार महीनों से बढ़कर है, जिसमें हर दुआ मकबूल होती है। पहली उम्मतों में लोगों की उम्रें ज़्यादा होती थीं और वो ज़्यादा इबादत कर लेते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत को एक रात दी है ताकि एक रात की इबादत में वो सारी इबादत और वो सारा सवाब हासिल। मांग लो रहमतें, हर बहते हुए अश्क से मगफरत का नज़ूल है। निशानियों के बारे में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इशारा है और बुजुर्गान दीन ने भी बताया कि जिस रात शब कदर होगी उस रात के बाद जो दिन आएगा उसमें रोशनी कम होगी और अल्लाह ताला के फरिश्तों के अनवार और नूरानियत जो है वो इतनी होगी उस रात में कि वो दिन की रोशनी के ऊपर गालिब होगी। ये रात सलामती है, सुबह तक ये खुसूसी रात रहमतुल्लिल आलमीन का खुसूसी अपनी उम्मत को तोहफा है, मगर फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है। जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, काश मिल जाएं हम सब नामे मोहम्मद के सबब। खुदा आज की रात है। लैलतुल कद्र का पैगाम गुनाहों से हकीकी तौबा का है, वगरना सजदे तो शैतान ने भी जमी के चप्पे चप्पे पर किए हैं। उमर अली अंजुम, सच टीवी, कराची।